फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं अमरूद, जिसे गुआवा भी कहते हैं, एक हाई एनर्जी फ्रूट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और चटकारे व्यंजन में आपका स्वागत है। अमरूद विटामिन और मिनरल से भरपूर एक फ्रूट है और साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और सर्दी जुकाम को होने से भी रोकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अमरूद की सिंपल सी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली चटनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक अमरूद ले लिया है और जिसे मैंने धोकर रख लिया था, और अब इसके बाद हमें इसका जो छिलका है उसे निकाल देना है। देखिए, मैं इस तरह से इसका जो छिलका है वो निकाल दूंगी। देखिए, मैंने यहाँ पर छिलका निकाल दिया है और अब इसे हम काट लेंगे। अब इसके हम जो बीज है उन्हें निकाल देंगे। फ्रेंड्स, हमें इसके बीजों को चटनी में नहीं लेना है, इसलिए हमें इस तरह से बीज से काट कर इन्हें निकाल देना है। फ्रेंड्स, अभी अमरूद का सीज़न है और बहुत अच्छे अमरूद जो है मार्केट में आ रहे हैं, तो आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अमरूद जो है वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ये चटनी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। आप इसे पराठे पूरी के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है बीज में से बीज निकाल दिए हैं और अब इस तरह से इसे हम बड़े टुकड़ों में पहले काट लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में भी इसे काट कर रख लिया है। और अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है, उसमें जो हमने अमरूद काट के रखे थे वो डाल देंगे पहले। अब इसके बाद मैं धनिया पत्ते डाल दूंगी और अब इसमें मैं करी पत्ता डाल रही हूँ। करी पत्ता से जो चटनी है उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और अब मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ, आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें जीरा डाल दूंगी और साथ ही यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। और अब यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मिक्सर जार में इस चटनी को रेडी कर लिया है। ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी बन गई है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये जो हमारी अमरूद की चटनी है, इसे ना तो ज़्यादा देर लगती है बनाने में और ये बहुत ही कम चीज़ों से भी बन जाती है। तो अभी सीज़न भी है अमरूद का, और जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो हमें ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप एक बार ये गुआवा चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ढेर सारे चटकारे व्यंजनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।